सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना को लेकर जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि पूरी तैयारी कर ली गई है। शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में मतगणना संपन्न कराई जाएगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। मतगणना केंद्र के प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों का दायित्व होगा कि वे मतगणना केंद्र के प्रवेश द्वारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना केंद्र में मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन कार्य से संबंधित लोक सेवक अभ्यर्थी के अलावा किसी भी परिस्थिति में अन्य लोगों को मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री यथा अस्त्र, शस्त्र, सलाई, लाइटर जैसी ज्वलनशील वस्तु, विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। सड़कों पर भीड़भाड़ की स्थिति और राहगीरों को परेशानी न हो, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई है। मतगणना केंद्र पर नियंत्रण कक्ष, हेल्प डेस्क के साथ दंडाधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी डीएम के नेतृत्व में आएंगे, वो भी काउंटिंग की प्रक्रिया में चालू होंगे, तो इस कारण से कल रोड पे काफी परेशानी हो सकती है। इसके एमएलसी निर्वाचन को लेकर कल मतगणना है, इसके संबंध में विस्तृत तैयारियां कर ली गई हैं। इसके लिए सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित करी गई है, डिप्लॉयमेंट ऑर्डर्स निकल गए हैं और इसका ब्रीफिंग भी सभी ऑफिसर्स को कर दिया गया है। इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से जो ट्रैफिक है उसके मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने स्पेशल फोकस किया है। पुलिस बलों की, मजिस्ट्रेट की तैनाती करी गई है ताकि कोई भी दिक्कत शहरवासियों को भी नहीं हो और जो काउंटिंग में लोग लगे हैं, एजेंट्स, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट्स, उनको भी दिक्कत नहीं हो। हमारा प्रयास ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी इश्यूज के हम लोग काउंटिंग को सफलतापूर्वक संपादित करेंगे। इसके लिए सभी ऑफिसर्स और सभी कर्मी लोग लगे हुए हैं।